हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट का है। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, उनको करेक्ट नंबर से फिल करना है। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट। ये जो दोनों लाइन के बीच में ये 4 नंबर दिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हम इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस साइन रहता है इन दोनों के बीच में, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, बी 2 3 5 15, माइनस साइन 2 4 8 है। यहाँ पे 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 7 रह गए, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो डिटरमिनेंट सॉल्व होके क्या आंसर आ गया, 7। क्वेश्चन सेकेंड है, यहाँ पे देखो ये डिटरमिनेंट दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया मैंने, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे देखो जो निगेटिव नंबर होते हैं उनको ऑलवेज ब्रैकेट में डाल दो, ताकि आपका आगे सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं -1 को ब्रैकेट में ले लेती हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इनकी मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमें माइनस साइन देना होता है, बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन लेनी होती है। माइनस साइन दिया, उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन। ओके, इक्वल टू 1 4 4 आता है, दोनों डिफरेंट साइन नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर को माइनस साइन जाता है। अभी ये माइनस साइन और 7 2 14। ओके, अभी देखो -4 -14, माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी हो जाएगी एडिशन। 14 प्लस 4 18 हो गए, तो यहाँ पे 18 दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर उसका आंसर क्या आ गया, -18। ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -7 करेंगे हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 0, इनकी मल्टीप्लीकेशन होने के बाद माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन। ओके, अभी 5 0 0 माइनस साइन, 3 7 21, और इस 21 को भी क्या आएगा, माइनस साइन, क्योंकि डिफरेंट साइन नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आंसर जो है उसको ऑलवेज माइनस साइन आता है। ओके, अभी देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इनकी हो जाएगी एडिशन। 0 प्लस 21 21 ही आते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 0 प्लस 21 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, 0 प्लस 21 21। हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 7 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, इनकी मल्टीप्लीकेशन होने के बाद माइनस साइन और इनकी मल्टीप्लीकेशन। 5 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। ओके, अभी इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, न्यूमरेटर रिमाइंडर फॉर्म में जो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू रहती है उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होती है, उनके न्यूमरेटर की और उनके डिनोमिनेटर की। 7 1 7 3 2 6, माइनस साइन, 5 3 15, 3 2 6, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, इनकी हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर नहीं सेम हो गया, फिर भी हम उनकी न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कर लिए हमने। ओके, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 15 में से 7 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए, और डिनोमिनेटर 6 यहाँ पे है, उसको हम लिखेंगे। दोनों का सेम है ना, वही डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे लिखना होता है, और इन दोनों में बड़ा 15 है, 15 का साइन क्या है, माइनस, तो इस आंसर को भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये 8 एंड 6 मल्टीपल नंबर है, इन दोनों को भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, 2 4 8, तो क्या आंसर आ गया, -4/3 आंसर आ गया। अभी देखो ये माइनस साइन हम न्यूमरेटर को नंबर को -4/3 ऐसा भी शो कर सकते हैं, या 4/3 के बीच में भी हम शो कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी
Solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. तो देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। ओके, उसके लिए बहुत टाइम जाता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इजी मेथड कम स्पेस में इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करना है, तो ये दिए गए इक्वेशन जो रहते हैं उनको पहले हमें एक्स प्लस बी वाई पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्म में राइट करना होता है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म मीन्स वॉट, पहली जो टर्म रहेगी ना वो एक्स टर्म होनी चाहिए, एक्स वेरिएबल टर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे है सेकेंड वाई वेरिएबल टर्म और इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये दिए गए लीनियर इक्वेशन उसी फॉर्म में है उनको पहले हम राइट करेंगे, अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में पहले हमें राइट करना है। यहाँ पे उसी फॉर्म में दिए गए हैं इनको पहले हम राइट करके लेते हैं। देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये पहली स्टेप है, ये क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करते टाइम पहले हमें इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इस फॉर्म में राइट करना है, तो राइट कर लिया हमने। ओके, उसके बाद हमें डी डिटर्मिनेंट डी एक्स एंड डी वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डी डी एक्स डी वाई डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में पहली एक्स कोएफिशिएंट वैल्यू जो है 3 उसको हमें ए वन कंसिडर करना है, y का कोएफिशिएंट जो है उसको हमें b1 कंसिडर करना है, और फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल के आगे जो नंबर दिया है उसको c1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या a2 ये b2 एंड ये c2। ओके, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनको हमने कंसिडर कर लिया। अभी हमें d डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को डी लेबल करेंगे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे। अभी इस डिटर्मिनेंट में हमें a1 b1 a2 b2 वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हमें a1 b1 a2 b2 c1 c2 वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, सिर्फ a1 b1 a2 b2, तो यहाँ पे a1 b1 है, यहाँ पे भी हम a1 b1 और नीचे a2 b2 ऐसा ले लेंगे। ओके, a1 b1 a2 b2 वैल्यू लिखनी है, तो पहले उनको लिखा, अभी इनकी वैल्यू हम डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। ओके, a1 वैल्यू क्या है 3, b1 वैल्यू क्या है -4, a2 वैल्यू 4 है, b2 वैल्यू 3 है, उनको राइट कर लिया। अभी इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते मैंने आपको बताया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, 3 × 3 -4 × 4, अभी 3 × 3 इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन -4 × 4, ये माइनस साइन इस नंबर का है और ये माइनस साइन इन दोनों के बीच में हमें लेना होता है, वही माइनस साइन है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू 3 × 3 = 9, ये माइनस साइन और -4 × 4 किया, 4 × 4 = 16 आता है, और ये दोनों ये -4 और ये 4 ये दोनों डिफरेंट साइन नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंट साइन नंबर के आंसर क्या आता है माइनस आता है, तो ये -16 उसका है और ये साइन है। ओके, अभी देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा 16 और ये 9, अभी 9 + 16 25 होते हैं, तो ये डी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई 25, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम डी इक्वल टू 25 लिखेंगे। अभी डी एक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लेनी है, तो हमें यहाँ पे c1 b1 c2 b2 ये वैल्यूज लेनी है। अभी डिटर्मिनेंट में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, c1 वैल्यू क्या है, c1 है 10, b1 है -4, यहाँ पे 10 और यहाँ पे -4, और नीचे हमें c2 b2 वैल्यू लेनी है,
सी टू वैल्यू है 5, बी टू वैल्यू है 3, 5 एंड 3। अभी हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन में ये -4 हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 5 है इनकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में माइनस साइन। ओके, अभी 10 3 जार 30, अभी ये माइनस साइन उसको लिखा, -4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जार 20 आता है, और ये माइनस साइन, -4 एंड 5 इनकी मल्टीप्लिकेशन की ना हमने, ये दोनों डिफरेंट साइन नहीं थी, इसका जो 20 आंसर है इसको माइनस साइन आएगा। ओके, अभी यहाँ पे भी माइनस माइनस हो गया, प्लस ये 20 और ये 30, अभी 30 प्लस 20 50 हो गए, तो डी एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 50। अभी हम डी वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। डी वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते टाइम सिर्फ हमें a1 c1 a2 c2 वैल्यू लेनी है, तो ऊपर हम a1 c1 लेते हैं और नीचे a2 c2। ओके, और इक्वल टू, अभी इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, a1 वैल्यू है 3 c1 वैल्यू है 10, उसके बाद में a2 वैल्यू है 4 और c2 वैल्यू है 5। ओके, इनको राइट कर लिया। अभी हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, कैसे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस साइन, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इनकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन। ओके, इक्वल टू 3 5 जार 15 माइनस साइन, 10 4 जार 40 इक्वल टू 40 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 25 रह गए, 25, और इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो आंसर आ गया -25। ओके, अभी हम क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल क्या है, अगर हमें एक्स वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, डी एक्स बाय डी लेना होगा। एक्स वैल्यू निकालनी है तो डी एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू बाय डी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेकर इसको डिवीजन करके हमें एक्स वैल्यू मिल जाएगी, तो ये डी एक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, 50, और डी डिटर्मिनेंट वैल्यू 25, तो यहाँ पे हम 50 बाय 25 लेंगे। इनको डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल नंबर है, 25 1 जा 25 25 2 जा 50, तो यहाँ पे क्या आ गई, 2, एक्स वैल्यू क्या आ गई, 2। अभी हमें वाई वैल्यू निकालनी है, तो डी y डिटर्मिनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें लेनी है, तो डी वाई डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, -25, और डी डिटर्मिनेंट वैल्यू 25, तो -25 बाय +25 है, 25 1 जा 25 25 1 जा 25, -1 बाय 1, तो -1 बाय 1 मीन्स क्या रहता है, -1 ही रहता है, तो y वैल्यू -1 मिल गई, x वैल्यू 2 मिल गई, कितना इजी है देखो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 3 में 2 नंबर सब क्वेश्चन है, देखो इसमें ये हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है, मीन्स एक्स और वाई वेरिएबल वैल्यू निकालनी है, तो इनको अगर हमें क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना है, तो दिए गए लीनियर इक्वेशन को हमें ax + by = c इस फॉर्म में लिखना होता है, तो दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो इस फॉर्म में है क्या, अगर नहीं है तो इसी फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। तो देखो पहला इक्वेशन है 4x + 3y, ये -4 है ना, तो -4 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, ये माइनस था, ये फोर माइनस था ना, उसकी साइड शिफ्ट कर दी तो वो प्लस हो गया, तो ये इस फॉर्म में मिल गया, यस। अभी हम इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे, 6x,
क्योंकि वाई को इस साइड में लेकर आना है, वाई यहाँ पे माइनस है वो इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y = 8, दोनों इक्वेशन आ गए इस फॉर्म में करेक्ट। ओके, अभी हम इनकी a1 b1 c1, a2 b2 c2 वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। a1 b1 और ये c1 वैल्यू है, ये a2 b2 एंड c2 वैल्यू है। ये वैल्यू मिलने के बाद हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, पहले हमें डी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो डी डिटरमिनेंट वैल्यू। ओके, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, a1 b1 a2 b2, तो a1 b1 a2 b2, ओके इनको लिया हमने। अभी इन वैल्यूज को इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। a1 वैल्यू 4 है, b1 वैल्यू 3 है, a2 वैल्यू 6 है, b2 वैल्यू 5 है। इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इनकी मल्टीप्लीकेशन हो गई माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इनकी मल्टीप्लीकेशन। ओके, अभी 4 5 जार 20 माइनस साइन, 6 3 जार 18, तो 18 आ गया, 20 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, आंसर आ गया 2, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई 2। अभी हमें डी एक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डी एक्स डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट में कौन सी वैल्यू लेंगे, c1 b1 c2 b2, का c1 b1 और c2 b2 ये उनको हमने ले लिया। अभी इनकी वैल्यूज हम डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। c1 c2 वैल्यूज कौन सी है, c1 b1 एंड c2 b2 वैल्यू देख लेते हैं। देखो c1 4 b1 3, 4 एंड 3। अभी c2 b2, c2 वैल्यू 8 b2 वैल्यू 5, 8 एंड 5। ओके, अभी इनको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में माइनस साइन, तो इक्वल टू 4 5 जार 20 माइनस साइन, 8 3 जार 24, 24 आ गया। 24 में से 20 सब्सट्रैक्ट किए, 4 रह गए, दोनों में बढ़ाइए है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, -4। a1 c1 a2 c2, ओके a1 c1 वैल्यूज क्या है, देखो c1 c2 वैल्यूज जो है 4 एंड 8 है, 4 एंड 8। अभी हम a1 a2 वैल्यू देख लेते हैं। a1 वैल्यू 4 और a2 वैल्यू 6, 4 एंड 6, इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, 4 8 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू 8 4 जार 32, 32 माइनस 4 6 जार 24, 32 में से 24 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 8। बाय क्रेमर्स रूल, अगर हमें एक्स वैल्यू चाहिए तो डी एक्स बाय डी डिटरमिनेंट वैल्यू लेंगे, मीन्स डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू जो है उसको हम डी डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, -4, और डी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, 2, उनको पुट कर लिया, 2 1 जा 2 2 2 जर 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। और ये डिवीजन रहती है ना, डिवीजन में दोनों डिफरेंट साइन है, तो आंसर को आता है माइनस साइन। ओके, एक्स वैल्यू क्या मिल गई, -2, और वाई वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, डी वाई बाय डी लेना होगा, डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू जो है उसको हमें डी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो डी वाई वैल्यू कितनी है, 8, वाई वैल्यू है 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो क्या आ गई, 4 बाय 1 मीन्स 4 वैल्यू है, तो वाई वैल्यू आ गई 4, तो
अब इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x वैल्यू एंड y वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x कॉमा y इक्वल टू माइनस टू कॉमा फोर इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर थ्री में ये थ्री नंबर का सब क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दोनों लिनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, क्रैमर रूल की हेल्प से निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस वन और टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, इन दोनों इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में राइट कर लिया। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ए वन बी वन एंड सी वन वैल्यू लिखेंगे। ए वन वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक वन है। बी वन वैल्यू क्या है, बी वन इक्वल टू टू एंड सी वन इक्वल टू माइनस वन। ओके, सी वन इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे हेयर ए टू इक्वल टू टू, बी टू इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी टू इक्वल टू ट्वेल्व। ओके, ये सभी वैल्यूज हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम चाहिए होगी। ओके, अभी देखो पहले हम करेंगे डी डिटरमिनेंट सॉल्व। डी डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे ए वन बी वन ए टू बी टू वैल्यू लेते हैं। अभी इसी डिटरमिनेंट में हम ए वन बी वन ए टू बी टू वैल्यू पुट करेंगे। ए वन है वन, बी वन है टू, वन टू, ए टू है टू, बी टू है माइनस थ्री, टू माइनस थ्री। इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन, टू मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन। अभी थ्री वन जा थ्री, दोनों मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन है तो आंसर को माइनस आएगा साइन, और ये माइनस साइन लिखा टू टू जार फोर। अभी माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी हो जाएगी एडिशन, थ्री प्लस फोर सेवन हो गए, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा। तो माइनस सेवन ये वैल्यू आ गई डी डिटरमिनेंट वैल्यू। अभी हम डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यह डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, सी वन बी वन सी टू बी टू वैल्यू लेते हैं। ओके, इक्वल टू, अभी इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, सी वन वैल्यू है माइनस वन, बी वन वैल्यू है टू, सी टू वैल्यू है ट्वेल्व और बी टू वैल्यू है माइनस थ्री। ओके, उनको पुट कर लिया हमने इक्वल टू। अभी ये सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, दोनों के बीच का माइनस साइन, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन, और उसके बाद में टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व करना है, टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व। ओके, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में माइनस साइन भी दे दिया हमने, इक्वल टू वन थ्री जा थ्री, दोनों मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन है, आंसर प्लस में रहेगा तो थ्री प्लस आएगा। अब ये दोनों के बीच का माइनस साइन, टू ट्वेल्व जार ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर आ गया। अभी इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, ट्वेंटी फोर में से थ्री सब्सट्रैक्ट हो गए, ट्वेंटी वन रह गए, दोनों में बढ़ाइए, इसका साइन माइनस आंसर को आएगा। तो डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिल गई, ट्वेंटी वन। अभी हम डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करते टाइम हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, ए वन सी वन ए टू सी टू वैल्यूज लेनी है। ओके, इक्वल टू, अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए वन वैल्यू है वन, सी वन वैल्यू है माइनस वन, ए टू वैल्यू है टू, सी टू वैल्यू है ट्वेल्व, उनको पुट कर लिया। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर। ओके, वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व, इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट की और दोनों के बीच का माइनस साइन भी दे दिया, इक्वल टू ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ये माइनस साइन, वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू वन जा टू आता है, दोनों डिफरेंट साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो ये माइनस साइन इसको आएगा।
अभी माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14 हो गए, तो डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई 14। अभी बाय क्रैमर्स रूल एक्स वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो डी एक्स बाय डी डिटरमिनेंट वैल्यू हम लेंगे, तो डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है -21 और डी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें -7 मिली है, तो इक्वल टू 7 एंड 21, ये दोनों मल्टीपल नंबर है, 7 वन 7, 7 3 21, तो यहाँ पे 3/1 और दोनों को भी माइनस साइन है। देखो दोनों सेम साइन अगर डिवीजन में रहते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज प्लस में आता है, तो इस माइनस के साथ ये माइनस कट हो जाता है, तो 3/1 मीन्स 3 ही आंसर है, 3 को अगर 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर 3 ही रहने वाला है। ओके इसलिए ये 3x वैल्यू आ गई। अभी हम y वैल्यू निकाल लेते हैं, y वैल्यू निकालते टाइम डी वाई बाय डी मीन्स डी वाई वैल्यू जो आई है उसको हम डी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, डी वाई वैल्यू कितनी है 14 और डी वैल्यू 7 है, -7। ओके 7 1 7, 7 2 14, तो 2/1 वैल्यू मिली, उसको माइनस साइन है ये वैल्यू, ये माइनस साइन हम यहाँ पे दोनों के बीच में भी दे सकते हैं। ओके इसका भी डिनोमिनेटर 1 है तो किसके इक्वल है, ये 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 2 ही आने वाला है और ये माइनस साइन आएगा इस 2 को। ओके तो वाई वैल्यू क्या मिल गई -2, हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3 -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्वेश्चन 3 में 4 नंबर सब क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं, इनका सोल्यूशन निकालना है वो भी क्रैमर्स रूल की हेल्प से। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम पहले ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्म में राइट करेंगे, तो देखो ये इक्वेशन और ये दोनों भी इक्वेशन उसी फॉर्म में है, उनको पहले हम राइट करके लेंगे, तो सी एक्स माइनस 4y इक्वल टू -12 एंड 8x माइनस 3y इक्वल टू -2 और यहाँ पे हेयर a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू -12। ओके और यहाँ पे a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू -3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 इक्वल टू -2। ओके अभी हम डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हमें कौन सी वैल्यूज लेनी होती है, a1 b1 a2 b2। ओके अभी इनकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, a1 वैल्यू 6 है, b1 वैल्यू -4 है, a2 वैल्यू 8 है और b2 वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू 6 × -3 माइनस साइन और -4 × 8, इनकी मल्टीप्लीकेशन होने के बाद माइनस साइन, बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच का ये माइनस साइन। ओके इक्वल टू 6 × 3 = 18 और दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर माइनस में आ गया, दोनों के बीच का ये माइनस साइन, 4 × 8 = 32 और इसका दोनों डिफरेंट साइन है -4 और 8, ये दोनों क्या हो गए डिफरेंट साइन हो गए, तो ये जो 32 आंसर है वो भी माइनस में आएगा। अभी देखो ये माइनस माइनस होता है प्लस, ये 32 और ये -18। ओके अभी माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 32 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गए तो रह गए 14। ओके तो हमारी डी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिल गई 14। ओके तो है ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, c1 b1 c2 b2। ओके अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, c1
वैल्यू है -12, B1 वैल्यू है -4, C2 वैल्यू है -2 और B2 वैल्यू है -3। ओके, अभी इनको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों के बीच का माइनस साइन। ओके, और बाद में -4 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, बाद में ये मल्टीप्लिकेशन टर्म इक्वल टू 12 3 36, 36 और दोनों सेम साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, दोनों के बीच का ये माइनस साइन 4 2 8 और ये दोनों भी माइनस साइन है, आंसर भी प्लस में आएगा और दोनों के बीच का माइनस साइन एज इट इज। अभी 36 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, 28 रह गए, 28। ओके, dx डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई 28। अभी हम dy डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वल टू dy डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते टाइम हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं यहाँ पे, a1 c1, a2 c2 वैल्यूज लेते हैं। अभी हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a1 वैल्यू 6 है हमारे पास, c1 वैल्यू -12 है, a2 वैल्यू 8 है और c2 वैल्यू -2 है, उनको राइट कर लिया है यहाँ पे। अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों के बीच का माइनस साइन और यहाँ पे -12 मल्टीप्लाई बाय 8 ये टर्म। ओके, ये सेकेंड टर्म इक्वल टू 6 2 12, दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर को माइनस साइन आएगा, दोनों के बीच का ये माइनस साइन। 12 8 96 आ गया और दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए इस 96 आंसर को माइनस साइन आ जाएगा। ओके, इक्वल टू ये -12 एज इट इज, माइनस माइनस होता है प्लस और ये 96। अभी माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 96 में से 12 सब्सट्रैक्ट हो गए, 84 रह गए, तो dy डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिल गई, 84। अभी बाय क्रेमर्स रूल x वैल्यू निकालनी है तो dx बाय d वैल्यू लेनी है और y वैल्यू निकालनी है तो dy बाय d वैल्यू लेनी है। ओके, dx एंड d वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। dx वैल्यू 28 मिली है और d वैल्यू 14 मिली है। ओके, dy वैल्यू 84 मिली है और d वैल्यू 14 मिली है। ओके, तो यहाँ पे हम इनके डिवीजन करने के बाद हमें x और y वैल्यूज मिल जाएगी, इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 14 1 14 14 2 28, तो यहाँ पे 2/1 मीन्स 2 वैल्यू आ गई इस x की। ओके, अभी 14 1 14 14 6 84, तो 6/1 मीन्स 6 वैल्यू आ गई इस y की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। 5 नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला जो इक्वेशन है उसको ax + by = c इस फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी ax + by = c इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ऑलरेडी उसी फॉर्म में दिया हुआ है, सिर्फ x की जगह m है, y की जगह n है, यहाँ पे भी वही वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे 4m + 6n = 54 एंड 3m + 2n = 28। तो यहाँ पे हेयर a1 = 4, b1 = 6 एंड c1 = 54 और यहाँ पे a2 = 3, b2 = 2 एंड c2 = 28।
ये सभी वैल्यूज मिल गई हमें। ओके, अभी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं बताओ अभी? a1 b1 a2 b2 इक्वल टू, अभी a1 b1 वैल्यूज पुट करके लेंगे। a1 वैल्यू 4 है, b1 वैल्यू 6 है, 4 6, 3 2 3 2। a2 एंड b2 वैल्यूज भी पुट कर ली हमने, इक्वल टू। इसको सॉल्व करते टाइम हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों के बीच का माइनस साइन, बाद में 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अभी 4 2 8 माइनस साइन, 6 3 18। ओके, 18 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 10 रह गए, 10 को आएगा माइनस साइन, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा। तो डी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई? -10। डिटरमिनेंट हमें डी एम डिटरमिनेंट लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमें एम एंड एन ये वेरिएबल दिए हैं। तो डी के बाद जो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे ना, वो डी एम डिटरमिनेंट रहेगा, और उसकी c1 b1 c2 b2 वैल्यू, और ये भी डी एम ही है। ओके, ये हमारी डी एन डिटर्मिनेंट वैल्यू है, डी वाई नहीं डी एन। ओके, तो यहाँ पे हम डी एन डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 50 वो लिखेंगे, और यहाँ पे भी एम वैल्यू चाहिए तो डी एम बाय डी लेना है, और एन वैल्यू अगर चाहिए हमें तो डी एन बाय डी लेना है। ओके, हमारे पास एम और एन वेरिएबल है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसके पहले सभी एग्जांपल में हमने एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ किया है, यहाँ पे गलती से वाई और एक्स हो गया था, तो उनकी जगह मैंने एक्स की जगह एम और वाई की जगह एन राइट कर लिया है। ओके, अभी पहला जो डी एम डिटरमिनेंट वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू कितनी है? -60 है। ओके, और डी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है? -10। तो देखो, ऊपर के जीरो के साथ नीचे का जीरो कट, ऊपर के माइनस के साथ नीचे का माइनस कट हो गया, तो क्या रह गया? 6 बाय 1। 6 बाय 1 मीन्स 6 है। अभी डी एन वैल्यू हमारे पास -50 है, और डी वैल्यू -10 है। ऊपर के जीरो के साथ नीचे का जीरो कट, ऊपर के माइनस के साथ नीचे का माइनस कट, तो 5 बाय 1 मीन्स 5 ही है। ओके, तो एन डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई? 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m कॉमा n इक्वल टू 6 कॉमा 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। 6 नंबर सब क्वेश्चन है, उसमें ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, इनके भी सॉल्यूशन निकालना है हमें, मींस x और y वैल्यू निकालनी है। क्रामर रूल के हिसाब से निकालने, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ax प्लस by इक्वल टू e इस फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2। फर्स्ट x टर्म, y टर्म, बाद में कॉन्स्टेंट टर्म, x टर्म, y टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म उसी फॉर्म में है ऑलरेडी। ओके, तो इसको हमने एज इट इज राइट कर लिया, और हेयर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 1 बाय 2, y के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो ऑलवेज 1 रहता है, तो 1 बाय 2 हम लिखेंगे b वैल्यू को, एंड c2 इक्वल टू 1 बाय 2। अभी a1 b1 a2 b2 वैल्यूज, c1 c2 वैल्यूज मिल गई। अभी हम डी डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। b2 वैल्यू जो है उसको माइनस साइन है, -1 बाय 2 है। ओके, माइनस साइन दे दिया, इक्वल टू। अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बाय 2, दोनों के बीच का माइनस साइन, और ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन टर्म 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इक्वल टू, इनके मल्टीप्लिकेशन करते टाइम
इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 1 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, दोनों के बीच का माइनस साइन और 3 1 3, 2 1 2 2 1 2, तो 1 by 1 और इसको माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा और ये -3, माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी हो जाएगी एडिशन, 3 + 1 4 हो गए, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा और ये वैल्यू मिल गई हमारी डी डिटरमिनेंट वैल्यू। अभी हम डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालते टाइम डिटरमिनेंट में हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, C1 B1, C2 B2 वैल्यूज लेते हैं। अभी इन वैल्यूज को हम डिटरमिनेंट में पुट कर लेते हैं। C1 वैल्यू है हमारे पास 2, B1 वैल्यू है 3, C2 वैल्यू है 1/2 एंड B2 वैल्यू है -1/2 इक्वल टू। अभी हम यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × -1/2, दोनों के बीच का माइनस साइन और नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन टर्म 3 × 1/2, ओके ये टर्म इक्वल टू 2 1 2 और ये 2 भी एज इट इज है, इसको माइनस साइन है क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसलिए इस आंसर को भी माइनस साइन आ गया क्योंकि ये डिफरेंट साइन हो जाते हैं ना, इसीलिए ये माइनस साइन, 3 1 3 और यहाँ पे 2 है नीचे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनकी माइनस माइनस होती है प्लस, इनकी एडिशन हो जाएगी, 3 + 2 कितने हो गए 5, 5 और डिनोमिनेटर 2 है, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो 5/2 ये आंसर माइनस में आ गया। डी एक्स डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई, -5/2। अभी देखो डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे। डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते टाइम डिटरमिनेंट में हम कौन सी वैल्यू देते हैं, A1 C1, A2 C2 ये वैल्यूज लेते हैं इक्वल टू। अभी A1 C1 A2 C2 वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। A1 वैल्यू है हमारे पास 2, C1 वैल्यू है 2, A2 वैल्यू है 1 और C2 वैल्यू है 1/2, उनको पुट कर लिया। अभी इसको सॉल्व करते टाइम हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1/2 माइनस साइन, 2 × 1 इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2 1 2 नीचे 2 है माइनस साइन, 2 1 2। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको डिनोमिनेटर नहीं है, इसका भी डिनोमिनेटर कट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे 1/1 मीन्स क्या है 1 ही है, तो 1 - 2 ये स्टेप मिल गई। ओके यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट, 1 रहेगा, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो डी वाई डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिल गई, -1। अभी इनकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये डी वैल्यू जो है इसको डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं तो ऑलवेज 1 डिनोमिनेटर रहता है और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाता है, तो कैसी स्टेप मिलती है, -5/2 × 1/-4 ऐसी स्टेप मिलती है। ओके ये दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर को माइनस साइन आएगा, 5 1 5 ये दोनों भी डिफरेंट साइन है, आंसर को माइनस साइन आएगा, 4 2 8 तो -5/-8, ऊपर के माइनस के साथ नीचे का माइनस कट हो जाएगा, तो 5/8 ही वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, और वाई की वैल्यू 1/4 है, दोनों में माइनस साइन है, ऊपर के माइनस के साथ नीचे का माइनस कट हो जाएगा, तो 1/4 वैल्यू मिल गई। तो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल टू 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ओके तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 10वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओ साठी चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा।
व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.